चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गढ़ खंड के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले चैप्टर्स का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया गया एक भाषण है, ठीक है ना, जो जाति पाति तुरक मंडल लाहौर में बोलने के लिए लिखा गया था। तो हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बेसिकली सारी बातों को सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले लेखक परिचय जान लीजिए। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और हम लोग अंबेडकर ध्यान देंगे, और हम लोग अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं, 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गई थी। अब देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के तीन प्रमुख पहलू थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इन्हीं तीनों से प्रभावित होकर, उनके चिंतन से प्रभावित होकर ये भी चिंतन करने लगे और नई नई रचनाएं करना स्टार्ट कर दिए। अब देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी रचनाएं रही, जैसे देख सकते हैं प्रमुख रचनाएं में आते हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये इनकी रचनाएँ रही, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सब इनकी रचनाएं रही। आगे एनी हिलेशन ऑफ कास्ट, यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं रही। ये जो आप कविता पाए, ये जो आप भाषण पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह लिया गया एनी हिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, लिखा गया कि यह भाषण एनी हिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा लेखक परिचय। अब थोड़ी सी और बातें बताओ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष कहे जाते हैं। संविधान को तैयार करने में इनकी अहम भूमिका रही, इसी कारण से इनको आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। मनु के रूप में भी हम लोग इनको जानते हैं। इन्होंने जाति को मिटाने का काम किया, क्योंकि जाति की समस्या को जितना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर झेले हैं, शायद ही कोई मनुष्य उतना झेला होगा। तो इसी बात को हम लोग जानेंगे कि बाबा साहेब भीमराव जो अंबेडकर थे, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, उनको निर्माणकर्ता भी संविधान सभा का माना जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने संविधान को करीबन 2 साल 11 महीना, कितने दिन में, 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखकर तैयार किए थे, ठीक है। तो इस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये लेखक परिचय, मतलब इनका परिचय क्लियर हुआ। अब चलते हैं, ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जानते हैं। देखो, इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए, क्योंकि ये भाषण है और भाषण बच्चों को जल्दी याद नहीं होते हैं, तो इस जो बात को मैं बता रहा हूँ इसको समझ जाएगा ना, ये 6 पॉइंट को लिखा गया यहाँ पर, 6 पॉइंट, इन 6 पॉइंट को आप समझ लेते हैं तो आपका ये जो भाषण है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जाति के बारे में बात करते हैं। हम लोगों का जो देश है, यहाँ पर जाति को अधिक बढ़ावा मिल गई है, मतलब जाति के आधार पर लोग एक दूसरे को ऊंच नीच करार करते हैं कि छोटा जात है, ये बड़ा जात है, ठीक है। तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन, हम लोग के समाज में पहले क्या था कि अब तो खत्म हो चुकी है। देखिए, हम लोग के पहले समाज में ये था कि जाति के आधार पर लोगों का काम बटा गया था। श्रम विभाजन करके मतलब क्या हो गया, जाति के आधार पर श्रम विभाजन, जाति के आधार पर लोगों का काम बांट दिया गया था कि जो जिस कास्ट का है, जो जिस जात का है, वो वही काम करेगा, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया गया कि जो छोटा कास्ट है वो छोटा काम करेगा, जो बड़ा कास्ट है वो हमेशा बड़ा बड़ा काम करेगा। तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। मान लीजिए, जाति के आधार पर मनुष्य यदि कोई काम करता है तो उसके रुचि पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं भी किसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी किसी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, सब कहीं ना कहीं किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो हर आदमी का सपना होता है कि मैं ये बनूंगा, लेकिन क्या होता है कि छोटे कास्ट या बड़े कास्ट होने के कारण से उसका गर्भ में ही पेशा निर्धारण कर दिया जाता है कि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो तुमको यही काम करना है, तुमको यही काम करना है, इसके सिवा तुम और कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। पहली बात आप समझ गए कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन, आजकल का पहले जो समाज था वो जात के आधार पर काम बांट दिया गया था कि जो अलग अलग कास्ट है वो अलग अलग काम करेंगे, छोटे कास्ट छोटे काम करेंगे, बड़े कास्ट बड़े काम करेंगे। और जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन करी गई वो मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। रुचि का मतलब हम लोग को बनना कुछ और है, और हम लोग का विभाजन कर दिया गया जात के आधार पर कि तुमको यही काम करना है, तो ये मनुष्य के रुचि पर निर्भर नहीं करता है। तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हर मनुष्य का एक एक सपना होता है, ड्रीम होता है, गोल होता है कि मैं ये बनूंगा, और जाति के आधार पर उसको कोई और काम करने के लिए बोली जाए तो वो उसके रुचि पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, गर्भ में ही पेशा निर्धारण करना,
मतलब पहले के समाज में ही गर्भ में ही क्या होता था, पेशा निर्धारण कर दिया जाता था कि तुमको यही काम करना है, इसके सिवा और कोई काम नहीं करना है। और इस सिद्धांत को जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत भी कहा जाता था कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनका गर्भ में निर्धारण हो जाता था कि तुमको यही काम करना है, इस काम के सिवा तुम और कोई काम नहीं कर सकते। तो लेखक इस पर आपत्ति जताते हैं, कहते कि नहीं ये गलत बात है, हर मनुष्य का एक एक सपना होता है, वो किसी कास्ट से बिलोंग करे, छोटा हो बड़ा हो चाहे जो भी हो, एससी एसटी जो भी हो, हर आदमी के एक सपना होता है और वो अपने सपने को लेकर इस आदर्श समाज में कुछ भी कर सकता है, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वही कहते हैं कि गर्भ में ही पेशा निर्धारण, पहले के ज़माने में गर्भ में ही, जब बच्चा गर्भ में ही रहता था, माँ के पेट में ही रहता था, तो उसी समय उसका पेशा का मतलब काम निर्धारित कर दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था कि तुमको यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। तो इसी सिद्धांत को जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत कहा गया कि गर्भ में ही बच्चे का काम फिक्स कर देना, उसका पेशा निर्धारित कर देना, यही जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। आगे है चौथी पॉइंट कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है। देखिए हम लोग का जो जाति प्रथा है, पहले के जमाने में बता रहा हूँ, आज भी कुछ लोग मतलब भेदभाव करते हैं, कुछ ऐसे पोषक हैं जो आज भी जाति को लेकर ऊंच नीच करार करते हैं। लेकिन खासकर अब क्या है ना कि छोटे कास्ट हो चाहे बड़े कास्ट हो, सबको आरक्षण मिल चुकी है, सब एक समान हम लोगों के लोकतांत्रिक शासन में हो चुके हैं। तो वही है कि भारत में जाति प्रथा जो है ना एक बेरोजगारी का कारण कैसे बनी हुई है। तो देखो दोस्तों, मान लीजिए कि गर्भ में किसी कास्ट के लोगों का, किसी कास्ट के बच्चे का पेशा निर्धारण कर दिया गया कि तुमको ये करना है, इसके तुम्हें और कोई काम नहीं करना है। अब मान लो कि आपको बनना है इंजीनियर डॉक्टर और आपको कोई और काम दे दिया गया, तो क्या आप उस काम को करेंगे? नहीं, क्योंकि आपका दिल और दिमाग जो है ना दौड़ रहा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, और आपको कुछ और काम दे दिया गया, तो उस स्थिति में आपको जो काम दिया गया वो आप काम नहीं कर सकते हैं, और उस स्थिति में आप पीछे पिछड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे उस स्थिति में बढ़ पाएंगे जो आपका सपना उसको पूरा करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वही है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति के आधार पर लोगों का काम बांट दिया गया कि तुमको यही काम करना है, और उस काम में उस व्यक्ति का दिल और दिमाग नहीं लगता है, जिसके कारण से वो उस मामले में पिछड़ जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है, बिना काम वाला हो जाता है, वह गरीब हो जाता है। ठीक है, पांचवी पॉइंट है, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या अरुचिपूर्ण कार्य को माना गया है। मतलब जो आज का उद्योग है उससे भी सबसे बड़ी समस्या जो है ना अरुचिपूर्ण कार्य को माना गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज का जो सबसे बड़ी समस्या है वो उद्योग नहीं है, सबसे बड़ी समस्या कि इसको अरुचिपूर्ण कार्य को माना गया है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता, वो कुछ और करना चाहते हैं, तो वो तो अरुचिपूर्ण कार्य ना हो गया। अब आपको डॉक्टर बनना है, अब आपको इंजीनियर बनना है, और आपको कुछ और काम दे दिया गया, दुकान चलाने के लिए दे दिया गया, तो आप करेंगे क्या? उसमें आपका मन लगेगा? नहीं, वो आपका अरुचिपूर्ण कार्य हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि वही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है, वही आपके लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा बाधक है। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। तो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेखक और अरुचिपूर्ण कार्य को मानते हैं। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को कभी वो कार्य चूज नहीं करनी चाहिए जो उसके रुचि पर डिपेंड नहीं है, जो मनुष्य करना चाहता है वही करनी चाहिए। मतलब हम लोगों के समाज में किसी भी मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कम से कम कि वह अपने उस सीमा तक जाए जो वो करना चाहता है, कम से कम इतनी उसके लेवल को बढ़ानी चाहिए। लेकिन जाति के आधार पर मनुष्य को क्या करी जाती है? दाब दी जाती है, ऊंच नीच का करार दी जाती है, जिसके कारण से मनुष्य बेरोजगार हो जाता है, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है और वो कोई काम भी नहीं कर पाता है। तो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको माना गया? तो अरुचिपूर्ण कार्य को माना गया है कि उद्योगों में उत्पीड़न से भी और गरीबी से भी सबसे बड़ी समस्या अरुचिपूर्ण कार्य है। क्योंकि अरुचिपूर्ण कार्य में क्या होता है कि मनुष्य का उस काम में दिल उल नहीं लगता है, दिमाग भी नहीं लगता है, वो हमेशा क्या करेगा? उस काम को करके आगे नहीं बढ़ेगा, पिछड़ते रहेगा। इसलिए उस कार्य को कभी मत करना जो आपका पेशा नहीं है। आपका पेशा नहीं है मतलब आप करना नहीं चाहते हैं, आपका उस काम में दिल नहीं लगता है। आप उसी काम को करो जिस काम में आपका दिल लगता हो, दिमाग लगता हो, मन लगता हो, क्योंकि आप उसी काम को अपना कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे और गरीब का गरीब जिंदगी बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या। लेखक मानते हैं अरुचिपूर्ण कार्य को, कि हमें अरुचिपूर्ण कार्य नहीं करना है, जिस काम में हमारा मन नहीं लगता उस काम को हमें त्याग देनी चाहिए। आगे आदर्श समाज का निर्माण अब कैसे होगा? देखिए लेखक कहते हैं कि दूध और पानी की तरह यहाँ के भारतीय लोगों का क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। मतलब सारे कास्ट के लोगों को एक समान देखी जानी चाहिए, सबको समान हक मिलनी चाहिए, तभी जाकर आदर्श समाज का निर्माण होगा। जैसे दूध और पानी को मिला दी जाती है तो कोई उनमें अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ के हर धर्म के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को इस तरह से छूट दे दी जाए, इस तरह से आरक्षण दे दी जाए कि वो सब एक जैसे मिलकर रहे और कोई पहचान नहीं सके कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, फलाना है, ठिकाना है, इस कास्ट से कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर सके। तभी जाकर हम लोगों का क्या होगा, आदर्श समाज का निर्माण होगा। तो इतनी छह बातों में, छह पंक्तियों में आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। पहले फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाहरी आवाज से डिस्ट्रैक्ट मत होकेगा, आपका पूरा फोकस यहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जाति के आधार पर श्रम विभाजन, लेखक कहते हैं कि जाति आज हम लोग के समाज में आज भी मौजूद है और उसी जाति के आधार पर लोगों का काम निर्धारित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि ये कास्ट के लोग वही काम करेंगे, उस कास्ट के लोग वही काम करेंगे, उसके सिवा और कोई वो काम नहीं कर सकता है। और जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन होता है, जो लोगों का पेशा निर्धारित करी जाती है, वह मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं करती है। मान लो कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और उसका कोई काम फिक्स कर दिया गया कि वही काम करना है, तो क्या बच्चा वो जन्म लेगा तो उसको उसका रुचि उसी काम में लगेगा? नहीं, हो सकता उसको कुछ और बनना हो सकता वो कुछ और करना चाहते हो और उसका पेशा निर्धारित कर दिया गया, उस स्थिति में वह मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जाति के आधार पर श्रम विभाजन करना, पेशा का निर्धारण करना, यह गलत है और यह मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं करता है। आगे गर्भ में ही पेशा का निर्धारण करना, कई बार पहले के समाज में ही देखी जाती थी कि जब बच्चा गर्भ में ही रहता था तो उसका पेशा, उसका काम फिक्स कर दिया जाता था कि मेरा बेटा या बेटी जन्म लेगा तो उसको यही काम करना है, और इसी सिद्धांत को जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत कहा जाता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि मनुष्य को क्या है ना कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति जो होता है ना, जाति के आधार पर लोगों का काम बांट दिया गया है। अब कोई मनुष्य का उस काम में रुचि नहीं लगेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके कारण से वो बेरोजगार हो जाएगा। इसी कारण से कहा गया कि भारत में जाति प्रथा ही बेरोजगारी का सबसे बड़ी समस्या बनी बैठी है। और आज के युग में देखी जाए, जो भी आधुनिक युग चल रही है, वर्तमान जो चल रही है, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? उद्योग से भी सबसे बड़ी समस्या किसे लेखक मानते हैं? तो उद्योग से भी सबसे बड़ी समस्या अरुचिपूर्ण कार्य को मानते हैं, क्योंकि मनुष्य यदि अरुचिपूर्ण कार्य करता है, कहने का मतलब उस काम को करता है जिसमें उसका मन नहीं लगता है, तो वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए लेखक बोलते हैं कि मनुष्य को कम से कम इतना छूट देनी चाहिए, इतना सीमा तक उसको विकसित करनी चाहिए जहाँ तक वो जाना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, तभी जाकर वो आगे बढ़ेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अरुचिपूर्ण कार्य को करना छोड़ दो, नहीं तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और आदर्श समाज का कैसे निर्माण होगा? तो आदर्श समाज का निर्माण, जब सारे कास्ट के लोगों को एक हक दिया जाएगा, एक समान से देखा जाएगा, समान आरक्षण दिया जाएगा और भेदभाव मिटा दिए जाएंगे। जिस प्रकार दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार हर कास्ट के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, एक नजरिए से देखा जाएगा, तब जाकर हमारे आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से आपको आपका ये क्लियर हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, बस इस पॉइंट को बेटर से आप समझ लीजिएगा, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, भाषा ने याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मिलेंगे।